राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में पीएम मोदी के हवन पर रेलवे में स्वच्छता पखवाड़ा मनाया जा रहा है। इसके तहत मंगलवार को रेलवे स्टेशन पर रेल कर्मचारियों को स्वच्छता की शपथ दिलाई गई। साथ ही रेल कर्मचारियों ने नुक्कड़ नाटक के माध्यम से स्वच्छता का संदेश दिया। इस अवसर पर DRM गौतम अरोड़ा सहित रेलवे के अधिकारी और कर्मचारी उपस्थित रहे। DRM गौतम अरोड़ा ने बताया कि इस उपलक्ष्य में देश भर में कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसके तहत जोधपुर में भी ये पखवाड़ा मनाया जा रहा है। मतदानों की टोली है, मतदानों की टोली है। राहुल क्या हुआ, जैनिस क्या हुआ, लगी तो नहीं तुम्हें? अरे ये केले का छिलका भी ये क्या है यहाँ पर? हर जगह कचरा ही कचरा, प्लास्टिक बैग, प्लास्टिक बोतल। देव देव ये देश हमारा है, आओ साथियों। पूरे देश के अंदर स्वच्छता को लेकर जो पखवाड़ा मनाया जा रहा है, उसके अंदर नॉर्थ वेस्ट रेलवे एम्प्लॉय यूनियन, रेलवे कोऑपरेटिव बैंक भी अपनी अहम भूमिका निभाते हुए इस राष्ट्रीय कार्यक्रम को अपना कार्यक्रम बनाते हुए हम आज शपथ लेते हैं कि हम कहीं पर भी कचरा नहीं होने देंगे। जहाँ पर भी कचरा है उसको बिनकर डस्टबिन में डालेंगे। जहाँ पर भी प्लास्टिक है हम उसको प्लास्टिक का उपयोग बिल्कुल बंद करें। प्लास्टिक से आए दिन हमारे देश के अंदर हजारों जानवर मर रहे हैं और हमारे सीवर लाइनें प्लास्टिक के कारण ही जाम हो रहे हैं। हर देश के नागरिक का कर्तव्य है कि स्वच्छता के इस अभियान को अपना अभियान मानते हुए इस राष्ट्रीय कार्यक्रम में अपनी अहम भूमिका निभाकर स्वस्थ भारत का जो अभियान हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने आरंभ किया है उसमें हम अपनी अहम भूमिका निभाते हुए इस कार्यक्रम को अपना कार्यक्रम बनाए। प्लास्टिक का हम उपयोग करते हैं, उसका हम पुनः उपयोग या पुनः चक्रण करेंगे। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 150वीं जन्म जयंती के अवसर पर और हमारे माननीय प्रधानमंत्री के आह्वान पर देश भर में स्वच्छता के लिए एक जंग छिड़ी हुई है। उसी प्रक्रम में हमारे लिए तो जोधपुर रेलवे मंडल में रहते हुए और अधिक रिलेवेंट हो जाता है। हमारा जोधपुर स्टेशन को देश में स्वच्छता में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ था पिछले वर्ष। तो हम लोग भी स्वच्छता पखवाड़ा हम लोगों ने कल से मनाना शुरू किया और उसी मुहिम में कल बहुत सारे कार्यक्रम आयोजित किए गए। इसमें न सिर्फ हमने अपने बड़े स्टेशनों को जैसे जोधपुर, पाली, नागौर, बल्कि सभी स्टेशनों पर, हमारे जोधपुर मंडल में कुल 124 स्टेशन है, उनमें सभी स्टेशनों पर हमने स्वच्छता की मुहिम चलाई है। हर एक स्टेशन पर वहाँ के स्टेशन मास्टर को निर्देशित किया गया है कि वो स्वच्छता के साथ साथ प्लास्टिक उन्मूलन, जिसका कि माननीय प्रधानमंत्री ने इस बार आह्वान किया प्लास्टिक मिटाने के लिए, उसके लिए भी वो सतत प्रयास करें। हम जहाँ भी प्लास्टिक मिल रहा है उसे इकट्ठा करके उसे नष्ट करने के लिए इकट्ठा कर रहे हैं।